Hey guys, welcome back to the brand new video on this channel. This is Rahul Sharma and you're watching Game Gossip YouTube channel. And guys, आज मैं बात करने वाला हूँ PMGC Super Weekend 4 के बारे में. Day 1 जो हुआ था अपना, वहाँ पे guys Warim बहुत अच्छा खेलते हैं and BTR को मतलब यहाँ पे पीछे छोड़ देते हैं. Number 1 spot पे आए थे, number 1 place पे आए थे overall rankings में. But ना guys, यहाँ पे इनके पास only 1 point की lead है and BTR जैसी टीम कभी भी इस lead को खत्म कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि BTR ने यहाँ पे second day domination के लिए जाने जाते हैं. But 4M के game play के बारे में गाइस मैं बात करने वाला हूं. इवन मैंने मैचेस के पहले प्रेडिक्ट किया था, आपने लास्ट वीडियो में मेरी देखा होगा कि मैंने बोला था कि गाइस 4M ना आज इरेंगल में बहुत अच्छा खेलने वाली है. मैंने ओनली इरेंगल मेंशन किया था कि इरेंगल में मतलब वो बहुत बढ़िया खेलने वाली है एंड रिजल्ट आपके पास है. सबसे पहला मैच होता है 4M यहां पे हाई किल्स गेम प्ले निकालते हैं. 13 किल्स थे आई थिंक उनके पास, बट जो उनका डोमिनेशन था ना, जिस मतलब वे में उन्होंने चेक इन निकाला वो भाई बहुत एग्रेशन वाला था एंड मतलब प्रॉपर कॉल्स वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया था. क्योंकि गाइस एक पॉइंट में ना 4M यहां पे फर्स्ट चुकी थी जब आर्चर्स ने यहाँ पे सवान को डाउन किया था. उसके बाद एरो बुल्फ वाले आते हैं, थर्ड पार्टी करते हैं, सवान को बचाया जाता है एंड उसके बाद ना वो बीटीआर से फाइट ले रहे थे. तीन बंदे ऊपर चले आते हैं, एक अकेला बंदा जो एरो बुल्फ थी उससे फाइट ले रहा था, वो तो वहां पे 3-3. सो 3-3 सवान ना वहां पे अकेला बंदा एरो को बार बार फाइट दे रहा था, उनके बंदे नॉक कर रहा था एंड जैसे मतलब जोन क्लोजिंग होता है ना, उस टाइम वो बंदे यहाँ पे बीटीआर के दो बंदों को मार के खत्म करते हैं एंड डायरेक्ट यहाँ पे एरो बुल्फ पे पुश करते हैं एंड वहां से होल्ड ले लेते हैं जोन का. सो ये जो सारी चीजें थी गाइस कितने अच्छे से बंदों ने खेला वो बहुत अच्छा लगा. एंड साथ में मैं प्रेज करना चाहूंगा एब्रप्ट स्लेयर्स की, बहुत बढ़िया खेले थे उन्होंने. 13 किल्स गेम प्ले निकाला था बट सेकंड आए थे. बट गाइस बहुत अच्छा मैच वो बंदे भी खेल के जाते हैं, बीटीआर को वाइपआउट करते हैं जब वो मूविंग व्हीकल से अंदर आना चाहते हैं, फुटबॉलिस होते हैं उनको डाउन करते हैं, उसके बाद नावी से फाइट होती है वो भी वो लेते हैं. सो गाइस बहुत अच्छा लगा. अभी कुछ स्टैट्स के बारे में बात करता हूं जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था. सो गाइस आपको पता है कि इरेंगल में ये बंदे दोनों मैचेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, एक में चिकन लेते हैं, एक में थर्ड पोजीशन लेते हैं एंड ने किल्स रहते हैं 10 किल्स दोनों गेम में एवरेज. सो 10 किल्स गाइस बहुत ज्यादा रहते हैं एंड साथ में अगर मैं डैमेज की बात करूं, सो डैमेज भी बहुत अच्छा रहता है इनका, ऑलमोस्ट 2400 का डैमेज रहता है गाइस एवरेज. सो बहुत बढ़िया लगता है. बट इनका जो बिगेस्ट पॉइंट है ना वो रहता है यहां पे बीकेंडी. सो बीकेंडी में गाइस इनकी एक भी किल नहीं निकलती है, डैमेज डन भी बहुत कम था एंड सब कुछ ना मतलब बहुत कम था गाइस. एक ही मैच हुआ था वीकेंडी का एंड वीकेंडी में ये बंदे मतलब परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको पता है. जैसे ना जब पीएमजी स्टार्ट हुआ था सो मैंने इवन प्रेडिक्ट किया था कि वीकेंडी में ये बंदे इतना अच्छा नहीं करने वाले, बट शनहॉक में ये बहुत बढ़िया खेलने वाले हैं. क्योंकि गाइस ये बंदे खेलते हैं शनहॉक छोटा सा मैप है, उसको मास्टर करना थोड़ा इजी रहता है एंड अगर जोन फेवर करता है एंड शनहॉक वाला मैच भी इन बंदों ने बहुत अच्छे से निकाला था. सो ये भी बात आती है. उसके बाद मीरामार का मैच रहता है, मीरामार में इतना अच्छा नहीं कर पाते बट जो फाइट थी नावी के साथ वो बहुत बढ़िया थी. बंदों ने अच्छे अच्छे एंगल होल्ड किए, दो बंदे पुश करते हैं आगे रहते हैं, दो बंदे पीछे से कवर फायर कर रोल खेल रहे थे एंड जब नावी का मतलब जोन से बाहर जाने का टाइम आता है सो भाई उस टाइम इनको टेक डाउन करके आगे मूव करते हैं. सो ये सारा सीन रहता है गाइस एंड और भी मतलब स्क्वाड्स के भी मैं तारीफ करना चाहूंगा. जैसे एएसएल के लिए मैंने बोला कि एएसएल बहुत बढ़िया खेली गाइस, ए1 ई-स्पोर्ट्स भी काफी अच्छा खेली, साथ में एक और स्क्वाड अपनी आती है ज्यूस ई-स्पोर्ट्स, तो वो स्क्वाड भी बहुत बढ़िया मतलब 16 किल्स चिकन डिनर लेके जाती है एंड बहुत अच्छे से खेलती है. नोवा को जब उन्होंने वाइप करा था ना सो वो टर्निंग पॉइंट था पूरे मैच का. अगर नोवा वहां पे खुद को पोजीशन कर लेती बहुत एक अच्छे वे में तो उसके बाद ना वो पीछे से उनको दिक्कत देती, आगे वाली स्क्वाड्स दिक्कत देती, पीछे उनके बीटीआर भी थी सो बीटीआर भी दिक्कत देती एंड वो स्क्वाड यहाँ पे टिकडन हो सकती थी अर्ली. सो जैसे उस पोजीशन पे नोवा आना चाहती थी, जैसे आने लगे उसी टाइम उनको आउट करते हैं एंड फटाफट से उनको वाइप आउट करके मतलब खत्म करते हैं पूरा मैच एंड बहुत अच्छा खेलते हैं. साथ में एक और बात करना चाहता हूं मैं गाइस, जाते जाते क्लास डिजिटल एथलेटिक्स की परफॉर्मेंस के बारे में, बहुत बढ़िया ये बंदे खेलते हैं. लास्ट मैच आपको पता है बहुत दिनों बाद गाइस इन्होंने चिकन निकाला, यहाँ पे ओनली 2 चिकन रहते हैं इनके बट इन बंदों का ना गैप मतलब बहुत अच्छा गैप डाल लिया इन्होंने, मतलब लीड काफी लेके रखी है एंड वही एक मतलब अच्छी बात रहती है गाइस की बहुत बढ़िया लीड के साथ ये बंदे खेल रहे हैं एंड मे बी अगर कल 4M या फिर बीटीआर परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छा, या फिर 4M अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, दोनों में से एक टीम नहीं कर पाती है एंड ये बंदे ना सेकंड प्लेस के लिए मतलब सेकंड जो प्लेस रहता है पोजीशन रहती है उसके लिए लड़ना चाहेंगे. सो गाइस इनका भी पॉइंट डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, अगर लूप से इनका पॉइंट डिफरेंस देखा जाए सो वो काफी ज्यादा. सो गाइस यही कुछ बातें रहती है, यही कुछ पूरा डे था, मतलब ऐसे ऐसे टीम्स खेलती हैं एंड आई होप कि आपको मतलब आज काफी मजा आया होगा. अगर कुछ लोगों ने मतलब ये पीएमजीसी के पूरे मैचेस मिस करे होंगे तो मेन चीजें मैंने आपको बता दी एंड आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करने का दिल करे यार फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना. ओके गाइस, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर.